खाना लीजिए, पैसा दीजिए, तुरंत तुरंत नहीं देंगे तुम्हें। अभी क्या खाना है, खाना भी खाएंगे, तुम बिल लेके आओ। बिल दे देंगे, खाना है खाइए, पैसा दे दीजिए, आप कंप्लेन कर दीजिए। नहीं नहीं, बिल ले आओ ना। मैं वीडियो तो बंद नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ मुझे किया है। अलाउ नहीं वीडियो, आप वीडियो अलाउ नहीं सर। आप वीडियो बंद करिए। आप क्या, आप वीडियो बंद करिए। आप जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती गुंडागर्दी कर। सो नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। जी हां, मैं हूं ऋषि। वन मोर घूमो इंडिया, घुमाओ इंडिया। फिलहाल मैं हूं नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास, और ठीक रेलवे स्टेशन के ठीक सामने देख रहे हैं बहुत ही पुराना अपना स्टीम लोकोमोटिव लगा हुआ है ठीक नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास। फिलहाल आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12870। जी हाँ, गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो छपरा और चेन्नई के बीच में चलती है हफ्ते में 2 दिन। छपरा से रात के 9 बजे खुलती है और ठीक तीसरे दिन चेन्नई पहुंचाती है दोपहर 12:15 पे। और इस ट्रेन को मैं बोर्ड करूंगा नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और नागपुर जंक्शन पे ट्रेन का टाइम है 6:15 पे। फिलहाल गंगा कावेरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है और ठीक वाली बगल वाली प्लेटफॉर्म पे जस्ट लो जी आ गई। दक्षिण एक्सप्रेस का टाइम हो चुका है। निजामुद्दीन से हैदराबाद जा रही है। अब भाई साहब जनरल क्लास का हाल देखो यार, पूरा पैक्ड है। टाइम देख रहे होंगे, जी हाँ, शाम के बजने वाले हैं 7, यानी ट्रेन हमारी आ रही है 45 मिनट लेट। और 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले दक्षिण एक्सप्रेस आई थी, उसके रवाना होने के बाद हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है। सेट के WAP-7 लोकोमोटिव के साथ आई है ये अपनी गंगा कावेरी एक्सप्रेस। बाकी आप देख लो कोच कंपोजिशन, सबसे आगे का आपको जनरल क्लास मिलेगा, फिर उसके पीछे AC, उसके बाद स्लीपर, उसके बाद लास्ट में एक और जनरल कोच। और फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 3rd AC इकोनॉमिक कोच में। तो फिलहाल ट्रेन हमारी नागपुर जंक्शन से रवाना हो चुकी है। अपना मिस्टेक, जो गलती मैंने बोला था ट्रेन नंबर 12870 नहीं, इसका नंबर है ट्रेन नंबर 12670। छपरा से चेन्नई के बीच में अप्रॉक्स 2343 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अप्रॉक्स 39 hours 15 minutes में विथ 22 holds है ना। ये जो हमारे कैमरा मैन है ये है OBHS के स्टाफ हाउसकीपिंग के, इनकी साफ सफाई अच्छी लगी। मैं जब कोच में ट्रेन में एंटर किया, अरे हंसो नहीं, शर्माओ नहीं, अरे इधर देखो कितना शर्मा रहा है। बाकी चलिए कोई नहीं, साफ सफाई ट्रेन का अच्छा था। फिलहाल अंधेरा है, ज्यादा दिखाने लायक कुछ है नहीं खाने में। सादा खाना में 2 सब्जी दाल चावल चपाती है, 130 और स्टैंडर्ड थाली जो आता है दूसरा थाली खाने वाला। हर ट्रेन के पेंट्री कार का ना ये कहानी हो चुका है। 130 का भैंस थाली देते हैं, कहते हैं 2 सब्जी, बस एक सब्जी एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, अब वो क्या देते हैं सब्जी में जो जिसने भी खाया है वो सब समझ रहे हैं, है ना। मतलब पनीर के नाम पे 2-4 पनीर डाल देंगे और 80 के थाली को 130 कर देते हैं, उसमें से भी दही भी गायब कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई 80 वाला स्टैंडर्ड थाली नहीं है, तो नहीं है। जैसे आपने सुना ही, क्या जवाब मिला।
शाम के 7:18 पे टाइम था जी हाँ सेवाग्राम जंक्शन का, लेकिन ट्रेन यहाँ पे जैसा लेट आई थी नागपुर में वैसा ही लेट यहाँ भी 1 घंटे लेट से आई है। सेवाग्राम जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम दिया गया है सेवाग्राम आश्रम से, और इसी सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी ने अपने लाइफ का कह सकते जीवन का आखिरी पल यहीं बिताए थे। नागपुर की लाइन से हम लोग आ रहे हैं, बलहर्षा वाली लाइन पर निकल जाएंगे, बाकी यहाँ से एक लाइन वर्धा होते हुए भुसावल मनमाड़ निकल जाती है, इसलिए सेवाग्राम एक जंक्शन पॉइंट भी है। बाकी मैं अपने लिए खोज रहा हूँ कुछ खाने पीने का। हाँ सेवाग्राम जो बिल ले, बिल ले देते 100 रुपए का बिल, खाना लीजिए पैसा दीजिए तुरंत तुरंत नहीं देंगे, तुम अभी क्या खाना है खाना भी खाएंगे, तुम बिल लेके आओ, बिल दे देंगे, खाना है खाइए, पैसा दे दीजिए, आप कंप्लेन कर दीजिए। नहीं नहीं बिल ले आओ ना, बिल नहीं है मेरे पास में अभी। लाई क्यों नहीं बिल है, लाई लाई जबरदस्ती, बिल नहीं जबरदस्ती करेंगे, तुम खींचोगे लो खींचो, लाई लाई क्यों ना फोटो खींच के भेज दीजिए। नहीं नहीं फोटो क्यों, खाना क्यों खींचोगे हाथ से, तुम बिल लाओ ना, तुम्हें पैसा हम दे रहे हैं ना, बिल लाओ 100 रुपीज का बिल। नहीं मैं लूंगा खाना, मैं खाना भी खाऊंगा, तुम छीन क्यों रहे हो खाना, जाओ मैनेजर को बुलाओ पहले, अब तो मैनेजर को बुलाओ, तुम खाना क्यों कैसे खींच रहे हो, तुम क्या मतलब गुंडागर्दी कर रहे हो क्या, गुंडागर्दी कर रहे हैं तो तुम कर ही रहे हो गुंडागर्दी, खाना तुम हाथ से छीन रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो, छोटा भाई हो 15 साल उम्र है 20 साल का उम्र है, तुम इस तरह से कर रहे हो बदतमीजी, तुम खाना दे के खाना छीन रहे हो, तुमने 100 रुपए बोला ना एक बिरयानी का, तो मैंने क्या बोला कि मुझे बिल दे दो बाबू, टाइम नहीं है हमको, तो ठीक है ना हम यही है, कल चेन्नई तक जाएंगे, तुम अभी बिल लेके आओ तब हम तुमको पैसा भी देंगे, पैसा भी देंगे, अगर तुम बिल लेके नहीं आओगे तो हम पैसा दे रहे, हम आएंगे पेंट्री कार में, तुम सोचोगे ना कि यार छोड़ के चल जाएंगे, तब क्या करेंगे, अरे कैसे उतर जाएंगे यार, खाना खा के उतर गया हम लोग, चलो अभी हम यहाँ खाना लेके रखे हुए, चलो 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 आ रहे आ रहे चलो। वो फिलहाल मैं जा रहा हूँ पेंट्री कार में, और ये स्लीपर क्लास, स्लीपर क्लास का हालत देख लो भाई, पूरा पैक्ड है यार, भैया थोड़ा पैर हटा लीजिएगा, पैर हटा लीजिएगा थोड़ा, और स्लीपर क्लास पूरा पैक्ड है, कई लोग पीछे किस तरह से बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ देखिए, बाकी चलते हैं पेंट्री कार में, जिस तरह से वो पेंट्री का स्टाफ है ना बात कर रहा था, मैं नहीं चाहता ये सब पंगा होगा मतलब, लेकिन जिस तरह से हाथ से खाना खींच रहा था ना उसका जरा मैनेजर से बात करना जरूरी है, पेंट्री कार के पीछे है ना, पेंट्री कार उसके बाद है, दो बोगी बाद है भाई साहब, ये देखिए लोग गेट के पास बैठ के लेट के ऐसे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत दर्शन का हाल देखिए, जय हो केसरिया महाराज विमल, मुंह में तिरंगा, कहाँ है वो पेंट्री कार, कहाँ इसके पीछे है सक्कत से, नहीं नहीं अभी अभी नया उम्र का लड़का है ना, अभी बहुत ही बेहाल है, और इंडियन रेलवे थोड़ा ध्यान दीजिए यार, इतना वेटिंग मत काटिए कि जो इतना कंफर्म टिकट होना उनको भी दिक्कत हो ट्रैवल करने में, क्योंकि वॉशरूम और टॉयलेट है ना, वॉशरूम और टॉयलेट भी पूरा पैक्ड है। कौन है भैया, मैनेजर साहब आइए, क्या कर रहे हैं, आपका पहले स्टाफ को बुलाइए, आप कौन है मैनेजर, आप ही हैं, हाँ मैनेजर, पहले वीडियो आप बंद करिए, नहीं वीडियो तो बंद नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी किया है, अलाउ नहीं वीडियो, आप वीडियो अलाउ नहीं सर, आप करोगे बंद करिए, आप क्या आप वीडियो बंद करिए, आप जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हो, अब वीडियो गुंडागर्दी आप कर रहे हो, ये गुंडागर्दी कर, आप गुंडागर्दी कर, आप 80 का खाना 100 में बेच रहे हो, पहले मेरी बात सुनो, आप आपसे किसने कहा कि 80 का खाना 100 में, आप पहले वीडियो मैं दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं, बंद करिए उसको, आप कैमरे पे हाथ बंद करिए, उसने मेरे साथ बदतमीजी किया है, आप हाथ आप तोड़ोगे, आपके हाथ मार, जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती नहीं, आप मैं दिखाता हूँ वीडियो, दिखाता हूँ, हाथ मत मारिए, आप कैमरे पे हाथ नहीं मारिए, आप कैमरे पे हाथ नहीं मारिए, पहले बोलिए, आप नहीं नहीं आप सिद्ध, ये आप क्या सिद्ध करना, आप कैमरे क्या, आप प्रॉब्लम नहीं, अरे भैया मैंने उस लड़के से लड़का कहा गया, भाग गया,
मैंने उस लड़के से बिल मांगा, खाली बस बिल मांगा मैंने, बिल मांगा नहीं मैंने बस बिल मांगा, उसने खाना छीन लिया, उसने मेरे से हाथा पाई की खाना छीन लिया। हमारी मलेशिया से निकल चुकी है, तो बिहेवियर था इसका, जो बिहेवियर था मैं देखा, और मैनेजर का भी, बाकी मैंने बिल मांगा अभी तक बिल आया नहीं है। मैंने बोल दिया बिना बिल का कोई मैं पेमेंट नहीं करूँगा, और बिल नहीं आया तो मैं कंप्लेन भी करूँगा। बाकी स्टेट में यह हाउसकीपिंग के जो स्टाफ है ना, ये लोग अच्छे हैं, और ट्रेन की साफ़ सफाई आप देख ही रहो, बंदा रात के 10:30 बजे भी साफ सफाई में लगा हुआ है, तो हाउसकीपिंग का स्टाफ सही है। बाकी पेंट्री का जो पेंट्री कार का जो भी स्टाफ है ना, चाहे खाना वेंडर से लेके मैनेजर तक, सभी गुंडे हैं। गुड मॉर्निंग, राइट नाउ इट्स 5 AM और 5:15 AM का टाइम है विजयवाड़ा पहुँचने का। और ट्रेन हमारी बहुत देर से खड़ी है विजयवाड़ा जंक्शन के आउटर पे। वायपुरम शेड के WAP-7 लोकोमोटिव के साथ जस्ट क्रॉस कर रही है तमिलनाडु एक्सप्रेस। तो ट्रेन नंबर 12670 जी हाँ गंगा कावेरी एक्सप्रेस विजयवाड़ा आ चुकी है। बाकी सुबह सुबह आपको देखे खाने पीने में आपको बनाना, और प्लेटफॉर्म पे तो सन्नाटापन दिख रहा है, वैसे इतना सन्नाटापन रहता नहीं है। बाकी ट्रेन हमारी आई है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। फाइव फिफ्टीन AM जो मैंने बताया था टाइम, लेकिन यहाँ पे ट्रेन आते आते देखिए 5:55 सुबह 5:55 पे आई है, और ठीक 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन आई है। वैसे विजयवाड़ा में हमारी ट्रेन का हॉल्ट 10 मिनट का है, तो आप चाहे तो चाय कॉफ़ी ले सकते हैं उतर के प्लेटफॉर्म पे। बाकी ये देखिए WAP-7 लोकोमोटिव के साथ वडोदरा सेट का, कोच्चिवली गोरखपुर एक्सप्रेस जी हाँ राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई है 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और जनरल क्लास आप देख सकते हैं भाई साहब। बिहार यूपी जाने वाली ट्रेनों में हर जनरल क्लास का यही हाल होता है, देखिए गेट पे देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। अब ठीक सामने देख रहे हैं विजयवाड़ा जंक्शन से सटा हुआ है विजयवाड़ा का सबसे बड़ा सब्जी मंडी, पर देख रहे बंदा गाजर झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है तनाली पहुंचते ही।
लोग स्किप कर रहे हैं तेनाली जंक्शन, और तेनाली से एक लाइन गुंटूर की ओर निकल जाती है, इसलिए तेनाली को तेनाली जंक्शन।